नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश करीना एट 25 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। वो उस परिवार से आई है जिसमें अदाकारी जैसे सबकी रगों में बसी हुई है। परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर, इसके अलावा शशि कपूर, शमी कपूर, ऋषि कपूर, इस भारी भरकम खानदान में लेकिन अरसे तक महिलाओं को पर्दे पर आने की इजाज़त नहीं रही। इस बेड़े को जिन दो बहनों ने तोड़ा वो करिश्मा कपूर और करीना कपूर रही। ये बात भी अब 25 बरस पुरानी है। करीना कपूर को फिल्मों में आए 25 साल हो रहे हैं। इन 25 बरसों में उन्होंने अपने परिवार से अलग अपनी एक पहचान बनाई है। एक ऐसे दौर में जब नायिका प्रधान फिल्मों की बाढ़ है और बहुत सारी समर्थ अभिनेत्रियां एक दूसरे को चुनौती दे रही हैं, करीना का इतने बरसों तक टिके रहना आसान नहीं है। ये एक बड़ी उपलब्धि है जिसका जश्न फिल्मी दुनिया मना रही है। Never been interested in production or direction, writing. एक्टिंग में हमेशा दिलचस्पी रही है, बचपन से लेकर अभी तक, बुढ़ापे तक भी यही चलेगा। सेट पर जाती रहूंगी एंड आई होप दैट आई विल वन डे डाई ऑन अ सेट एट 80। पहले पर्दे के 25 साल, तरह तरह के किरदारों के 25 साल, किस्म किस्म की कहानियों के 25 साल, फिल्मी दुनिया में कई अलग और यादगार भूमिकाएं निभाते निभाते करीना कपूर के 25 साल हो गए हैं। इस मौके पर करीना के लिए कई समारोह हो रहे हैं। पीवीआर समूह 25 इयर्स ऑफ करीना कपूर फेस्टिवल मना रहा है। 20 से 27 सितंबर तक ये समारोह देश के 15 शहरों के 30 से ज्यादा सिनेमा घरों में चलेगा। Like, it just feels like I just gave my first shot yesterday, because that's the kind of energy I have inside me. So I think I still have that that fire, that want, that need, that, you know, that greed of wanting to just, you know, be in front of the camera. So I think I'm feeling honored and humbled. 14 नवंबर को कहाँ थे? लेकिन अब भी करीना थकी नहीं है। हमें बता सकती हैं? बिल्कुल, नई फिल्म बकिंघम मर्डर्स में उनके अभिनय की बेहद तारीफ हो रही है। पार्क में क्या हुआ था? उनके बेटे को किसी ड्रग्स एडिक्ट ने मार डाला है और वो नहीं चाहती कि कोई और किशोर इस जानलेवा जाल का शिकार हो जाए। ये सब का कोई मतलब नहीं है। पिल्स ले लो, शायद कोई मतलब बन जाए। फिल्म में वो पुलिस अधिकारी बनी है और एक गलत जांच को सही राह पर लाने में लगी है। फिल्म में सांप्रदायिक नफरत है, ड्रग्स का मुद्दा है, निजी संबंधों का सवाल है। I thought after like, you know, 25 years, if it's not now to experiment and do something different, it's going to be never. And I've always actually tried to do that with films like Chameli and Dev, very early on in my career. So it's no different now that on its 25th year, if, you know, I wouldn't want to do something different. Because every other film, the commercial genres like The Crew and Singham and everything is so much a part of my DNA and it's always going to be a part of me. And, you know, that's going to be life. But I also want to do things and try out different things, you know, sometimes as an actor as well. 2023 में लंदन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी, जहां करीना के अभिनय के साथ साथ फिल्म को खूब तारीफ मिली। चीजों से भाग मत पुत्र। मी इट्स ऑलवेज बिन एवरी 5 years आई हैव ऑलवेज लुक्ड बैक एंड सेड नाउ व्हाट एम आई सपोज्ड टू ट्राई एंड डू समथिंग न्यू, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट जस्ट बीइंग देयर एंड बीइंग पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल फिल्म्स। It's about having and leaving a legacy. Yeah. And that's what's been, because I do come from a family where I've been challenged and always felt like they're so amazing, but I need to leave my mark somewhere. Mm. So agar if I had picked every role like that, I think aaj ye festival nahi hota. Iske pehle film Jaane Jaan mein ek bilkul alag Kareena dikhti hai. Unke haathon पति की हत्या हो गई थी। करीना का फिल्मी सफर साल 2000 में शुरू हुआ। रेफ्यूजी से शुरू हुए सफर को लेकिन पहला बड़ा मुकाम जब वी मेट से मिला। जिसने करीना को संवेदनशील अभिनेत्री के रूप में एक नई पहचान दी।
फिल्म के पहले हिस्से की चुलबुली करीना और दूसरे हिस्से की मायूस करीना दोनों बेहद विश्वसनीय बन पड़ी हैं। I was shooting Tashan simultaneously, and Tashan was a, like a really big film because it had Akshay Kumar, it had you know Anil Ji, it had Saif Ali Khan, and you know it was a YRF film. Whereas Jab We Met was like, you know, it was more like, you know, it was like we were new, and you know, Imtiaz had done one film, and there were never really any big names attached to it at that point. So I was always like, you know, I'm like Tashan is going to be amazing, and you know, I'm working on this body and going to do my action film, and I would just like, you know, come on the set, but my focus was Tashan. But I didn't really know that what was happening, and then Jab We Met just released, and you know, not that Tashan isn't special, but people just loved Jab We Met more than that. So when you think that, oh, you know, everyone's going to watch this, but everyone watched that. So there was no real plan that, oh, you know, it's going to be amazing. I was also a bit like, oh, you know, no one really thought that. इसके बाद करीना के खाते में एक से एक फिल्में आती रहीं और तमाम बड़े अभिनेताओं के साथ आती रही हैं। अब भी नई उड़ान के लिए करीना तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करीना कपूर 21वीं सदी की अभिनेत्री हैं, उस दौर की जब लड़कियों के लिए नई राहें भी खुली हैं, नई चुनौतियां भी पैदा हुई हैं। अब नई कहानियां हैं, नए किरदार हैं और ढेर सारे अच्छे कलाकार हैं। आखिर क्या खास रहा करीना में जिसने उनको एक अलग ब्रांड बना दिया? करीना खुद याद करती हैं कि कैसे शुरुआती दौर की मुश्किलों से आगे बढ़ते हुए उन्होंने कामयाबी का ये मुकाम हासिल किया। I've constantly been at it, trying to prove myself also as an actor. And I think, yeah, hopefully, I mean, I don't want, you know, anyone to say that, okay, wow, you've done it all, now what? Because I think I want to constantly keep proving myself still. I think there's a long way to go. 25 साल और 67 फिल्में, बू से लेकर जसमीत भामरा तक। 14 नवंबर को कहां थे? डिटेक्टिव हो ना, पता लगा लो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। करीना कपूर खान ने 25 साल के अपने इस फिल्मी करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं और यही वजह है कि वो बॉलीवुड की बेहतरीन हीरोइंस में गिनी जाती हैं। सबसे अहम बात ये है कि उन्होंने किरदारों के साथ प्रयोग करने में कोई हिचक नहीं दिखाई। इतने सालों बाद, इतने सारे कैरेक्टर्स करने के बाद, अगर एक्टर्स ब्रेव चॉइसेस नहीं ले पाते हैं और अलग फिल्म्स नहीं कर पाते हैं, तो आई थिंक दे कांट जस्ट बी नोन एज, यू नो, कि अगर मैं जिंदगी भर सिंघम और क्रू में काम करूं, तो आई थिंक वो यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू थिंग्स डिफरेंटली। वो टू लास्ट 25 ईयर्स एक ही टाइप की फिल्म में हम नहीं काम कर सकते हैं। अलग अलग फिल्म काम करने में वो एक लॉन्जिटिविटी, एक रास्ता देता है, एक ऑक्सीजन टैंक जैसे बनता है। जेपी दत्ता की रेफ्यूजी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली करीना की भले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब ना रही हो, लेकिन इस फिल्म के लिए करीना को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अपनी पहली ही फिल्म से करीना ने ऐसी छाप छोड़ी कि अगले ही साल वो 6 फिल्मों में नजर आई और अशोका की करवकी से पू बनकर सबका दिल जीत लिया। I was following just Karan's instructions. I mean, I knew it was like a super fun character, but no one really thought that, you know, 25 years later, you'll still have characters based around Pooh who are like her, you know. That was never really the intention, because I think when you set out with an intention of saying that we have to make this character great, or, you know, this has to be amazing, it's going to be fab, and, you know, like,
think that. I think it just happens. These magic has to be, it just has to happen. इसके बाद करीना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमर्शियल सिनेमा में करीना निर्माताओं से लेकर निर्देशकों की पहली पसंद बन चुकी थी। लेकिन जहां बहुत सारी अभिनेत्रियां कारोबारी फिल्मों के जाल में उलझ कर रह जाती हैं, वहीं करीना ने अलग रास्ता अपनाने में हिचक नहीं दिखाई। मैं आपकी बहुत काम आ सकती हूं। करियर के शुरू में ही उन्होंने सीरियस सिनेमा की ओर रुख कर लिया। अब बॉलीवुड की ग्लैमरस पू रुपहले पर्दे पर चमेली बनकर आई और इस बार भी सबको चौंका गई। अरे उस्मान को बुला, उसको बोल मैं स्वीटी में बैठी हूँ, उसका इंतजार कर रही हूँ। अरे बुला उसको जल्दी, अर्जेंट है। इसी के साथ बॉलीवुड में महिला प्रधान फिल्मों का जो ट्रेंड शुरू हुआ, उसकी पहली पंक्ति में करीना भी दिखी। चमेली के लिए करीना को उनका चौथा फिल्मफेयर अवार्ड मिला। मैंने चमेली, आई डिड इट एट माय करियर द एज ऑफ 22। आई थिंक नोबडी थॉट, तब सब कह रहे थे कि नहीं करीना नहीं कर पाएगी ऐसे टाइप की फिल्म, एंड फॉर दैट टाइम इट डिड सो वेल। सो आई थिंक आई एम दैट एट दिस स्टेज इन माय करियर इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट के अलग अलग किरदार करना जरूरी है, कि करीना ये भी कर सकती है, वो भी कर सकती है। करीना के करियर में टर्निंग पॉइंट बनकर आई साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म जब भी में। एक ही फिल्म में चुलबुली गीत से गंभीर गीत बनी करीना ने बता दिया कि फिल्म एक अभिनेत्री के दम पर भी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। ये किरदार भी करीना के बेहद करीब हो गया। I think half the decade went where people thought I was poo and like I lived like her and had all these couture clothes and thought that I was so cool and went on, you know, whatever, okay, that's Bebo. Yeah. And then the other half of the decade went on with people, you know, behaving, you know, believing like I'm the Bhatinda ki Sikhni. You never stopped talking. Yeah. Yeah, I never stopped talking. But maybe I'm a mix of both, people who know me. Salman Khan. शाहरुख खान, आमिर खान, बॉलीवुड के खान से लेकर अक्षय कुमार और अजय देवगन ने अपनी फिल्मों के लिए नायिका चुनते हुए करीना को तरजीह दी। बजरंगी भाईजान, सिंघम, लाल सिंह चड्ढा से लेकर रावण तक जो कई ब्लॉकबस्टर फिल्में आईं, उनमें करीना भी अहम किरदारों में दिखी। नए चेहरों के साथ भी काम करने में उन्हें एतराज नहीं रहा। I think in 25 years one has to think of when you're, you know, signing films when we're younger, when we were like 17, 18. It was always about proving yourself, wanting to, you know, just be in every film. And then after come a decade, if you sustain, it's also about the question of reinvention, which is very scary in an industry like this, you know, like male dominated and whatever. But we've over the years had a lot of brave actresses as well, apart from me, who've also taken big strides. So while straddling the fact that I've done films with the big superstars and, you know, all those are successful films, but I've also had a career which I've simultaneously done to prove myself as an actor,
because I think the longevity of an actor is only possible if they also repeatedly prove their talent. कहानियाँ अच्छी बना लेती हैं। ये साल भी करीना के लिए शानदार रहा है। कमर्शियल फिल्म क्रू से शुरुआती सफलता बकिंगम मर्डर्स तक आ पहुंची है। चीजों से भाग मत पुत्र। वही साल के अंत में सिंघम अगेन से करीना एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता का परचम लहराने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।